वेलकम टू बरियाल गनाश। आज मैं आपके लिए स्वीट में रेसिपी लेके आई हूँ, गनाश में बालूशाही की और मिठाई रेसिपी, और बहुत ही मज़ेदार बनती है हम लोग, और बहुत ही कम सामानों से बनती है और ज़्यादा कुछ इसमें टाइम भी नहीं लगता। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और बनाइए। चलिए हम लोग इसको फटाफट रेडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग चाशनी तैयार करेंगे इसकी। ये देखिए, ये मेरे पास में मैदा है जिससे मैं बालूशाही बनाऊँगी। 1 कप मैदा है और 3 बड़े चम्मच दही के हैं। ये 3 बड़े चम्मच घी है, दही और घी इक्वल क्वांटिटी में है। कुछ इलायची है और ये 2 कप शक्कर है, शुगर, चीनी, जिससे मैं चाशनी बनाऊंगी। और इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलिए हम लोग इसको चाशनी बना लेते हैं फटाफट। ये मैंने गैस में एक बर्तन रख दिया है, पतीली, और इसके अंदर मैं ये 2 कप शक्कर ऐड कर दूंगी। इसके अंदर चाशनी बनेगी हमारी, और इसके अंदर मैं 2 कप शक्कर में 1 कप पानी डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी और जाएगा इसके अंदर, 1/2 कप, 1/4 कप हो गया। और ये चाशनी स्लो पे बनती रहेगी। हम लोग बालूशाही का डो तैयार करते हैं। ये 1 कप मैदा इसके अंदर बॉल के अंदर डालूंगी मैं, फिर ये घी और दही इसके अंदर जाएगा। सारा घी इसके अंदर चला जाएगा। 2 पिंच इसके अंदर सोडा डालूंगी, 1, और ये 2 पिंच बेकिंग सोडा है ये। इसको मैं मिक्स करूंगी, अच्छे से हमें मिलाना है, और इसको बहुत चिकना नहीं गूंदना है, बहुत एकदम फिनिश फाइन टाइप का नहीं गूंदना है इसको। इसी तरीके से रफ भूना जाता है, क्योंकि जिसमें हमारी बालूशाही है वो खस्ता रहे और उनके अंदर परते रहें। इसी तरीके से इसको भून लेंगे। इसमें दही और घी सब थोड़ा रह गया था, इसके अंदर ले लेंगे अच्छे से। सब पोंछ के ले लेंगे। इसमें जो आटों को गूंद लोट, ये जो डो होता है इनको तैयार करते हैं, इसी तरीके से इनको तैयार करना है दोनों हाथों से, इस तरीके से, क्योंकि दही घी सब एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसके अंदर मैं, ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है आटा हमारा, और हल्का सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, ज़रा ज़रा सा। आटा तैयार हो गया हमारा। इस तरीके से इसका आटे को ज़्यादा वो नहीं करना है, इस तरीके से इसको, ये इसका बनाने का तरीका होता है। बस आटा रेडी हो गया, इसको मैं अभी यहाँ पे रख दूंगी। इसी तरीके से एक ढक्कन यानी गीला कपड़ा लगा के, चलिए हम लोग चाशनी को देख लेते हैं। चाशनी हमारी पक रही है, इसके अंदर में 3-4 इलायची डाल देंगे, ऐड कर देंगे। और चाशनी को हम स्लो पे ही बना रहे हैं, ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहे हैं। हमको एक तार की चाशनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए। और ये अभी ज़्यादा इसको हिलाएंगे भी नहीं, और ये अपनी चाशनी तैयार हो जाएगी। जब तक कि मेरा बालूशाही का डो है उसको मैंने लगा के रख दिया है, कम से कम 20-25 मिनट के लिए लगा रहेगा, तो उसमें बहुत अच्छा सा बन जाएगा, रेडी हो जाएगा हमारा बालूशाही का डो। जब तक चाशनी बनती है तब तक मैं रुक के बताती हूँ आपको। चाशनी मेरी पक रही है और शक्कर सारी मेल्ट हो गई। इसके अंदर मैं ज़रा सा येल्लो कलर डालूंगी, येल्लो फूड कलर है, खाली केसर कलर हो गया है, जिसमें हमारी बालूशाही का कलर भी सी हो जाएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा कलर। और चाशनी हमारी पक रही है अभी। चाशनी देखिए तैयार हो गई है हमारी, ज़्यादा पतली भी नहीं है ना बहुत ज़्यादा उसमें
तार भी नहीं निकाले, हल्की सी एक चिड़चिड़ाहट हो गई है। और इसमें हम बालूशाही को डीप करेंगे। इसको मैं अब गैस को बंद कर रही हूँ और ठंडी हो जाएगी ये चाशनी हमारी। और बालूशाही फ्राई करती हूँ मैं। बालूशाही बरियाल ग्लैमर अ लग्जरी स्किन केयर ब्रांड, टू फॉलो अवर पेज ऑन इंस्टाग्राम फॉर लग्जरी हेयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट। ये डो एकदम तैयार हो गया। और इसको बहुत एकदम फिनिश या चिकना ऐसा नहीं करना है, इसको इसी तरीके से रखना है। और बाद में इसको इस तरीके से बना लेना है, यू यू और यू, बस इससे ज़्यादा इसको ज़्यादा फिनिशिंग नहीं देनी है। ये हो गया, इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे बालूशाही के गोले। ये हो गया और चाशनी भी हमारी रेडी है। और एक पैन में मैंने बर्तन में तेल रख दिया है, फ्राई पैन में। फ्राई पैन भी गर्म हो गया है और ऑयल भी गर्म हो गया। अच्छा, ये मैंने गोल गोल बना लिए हैं बालूशाही के पीसेस। अब इनको मैं फ्राई करूँगी। और पैन में मैंने ऑयल रख दिया, वो भी गर्म हो गया। चलिए इसको फ्राई करते हैं हम लोग बालूशाहियों को। तेल हमारा गर्म हो गया है और ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना है, स्लो पे। अभी ये मैं इस तरीके से चेक कर रही हूँ तेल गर्म हुआ कि नहीं। तेल गर्म हो गया, गैस को मैं स्लो कर रही हूँ। इसमें फास्ट तो नहीं रहा गैस और चले नहीं हमारी बालूशाही। इसको धीमे धीमे मैं डालूंगी इस तरीके से तेल में। गैस मैंने एकदम स्लो कर दिया, इसमें अंदर से अच्छे से पक जाए, कच्ची नहीं रहे। अगर ज़्यादा फास्ट पे रखेंगे तो ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसके लिए मैं इसको स्लो पे छोड़ रही हूँ। तीन चार मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही स्लो पे रख दिया था। अब इसको मैं पलट रही हूँ, देखिए ये अंदर तक के पक जाए और खस्ता बने। स्लो पे ही रहेंगी, उनका अच्छा सा कलर हो जाए, फिर उनको मैं निकाल के चाशनी के अंदर डाल दूंगी। और हाँ, एक बात आप भूल गए, आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बरियाल तबक और बरियाल शॉर्ट्स को भी फॉलो कीजिए, बरियाल ग्लैमर को फॉलो कीजिए आप लोग प्लीज़। हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, एकदम झटपट बनेगी। गैस बंद कर दी है मैंने और बालूशाही वो हो गई हैं, फ्राई हो गई हैं। अब इस चाशनी के अंदर मैं डिप करूँगी। अच्छे से डिप कर दें इसके अंदर, थोड़ी देर तक पड़ी रहने दें इनको, 10-15 मिनट तक के चाशनी में। बहुत ही अच्छी खस्ता बनी एकदम। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ अगली रेसिपी के साथ में।